हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड गाइड शिवांश भसीन में। हो गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव करते रहे और आप मार्केट में प्रॉफिट कमाते रहे। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं कि अब हमें जनवरी सीरीज की स्टार्टिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ जैन है और आज हमने देखा कि मार्केट ने किस तरीके से इतनी वॉलेटाइल सेशन गया है हमारी आज की मार्केट के लिए, कि हम देख रहे थे कि मार्केट ने 150 पॉइंट की एक फॉल दिखाई, एक अपने ब्रेक डाउन लेवल को तोड़ा और उसके बाद देखा हमने किस तरीके से मार्केट के अंदर रिकवरी आई है और इसमें जो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सब लोग ट्रैप हो गए। सो गाइस, अब हमें देखना है कि एक जो ट्रैप है वो शायद कल के सेशन में और आ सकता है और हम शायद कल के सेशन में भी फंस सकते हैं। तो किस तरीके का ट्रैप आने वाला, वो भी मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो चार्ट को जरूर देखिएगा। और कल कौन से स्टॉक्स यानी कि 2 जैन को कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि 1 जैन की मार्केट आज थी बहुत वॉलेटाइल मार्केट थी। अब हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना है गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। अब आप ज्यादातर प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचिएगा, आप इस साल में ये सोचिएगा कि मुझे मार्केट से कितनी नॉलेज गेन करनी है। जितनी ज्यादा मार्केट से नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा आप खुद प्रोफेशनली प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। और तब आपको पता होगा कि ये जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, वो मुझे प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, तो उसके हिसाब से आप खुद को चेंज भी कर सकोगे। सो गाइस, अब 2 जैन के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, तो बढ़ते हैं हम स्टॉक्स की तरफ। अदानी पोर्ट, सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, कैनरा बैंक। अदानी पोर्ट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। 391 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है तो उसका एक स्विंग हाई क्रॉस हो जाएगा। सो गाइस, उस पर मैं आपको बाय करने की सलाह दूंगा। 394, 399 इमीडिएट टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदानी पोर्ट के अंदर। स्टॉप लॉस 384 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सीमेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 1071, 1077 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 1055 का मेंटेन करना पड़ेगा गाइस। जी एंटरटेनमेंट बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 485, 491 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 472 का मेंटेन करना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने अपनी एक और वीडियो बनाई थी कि जिसमें आपको जनवरी एक्सपायरी के लिए 3 स्टॉक सजेस्ट करे थे जो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो इस वीडियो के लास्ट में वो आपको शो कर जाएगी और मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वो वीडियो शो कर जाएगी, तो जाके इसे जरूर वॉच करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी उसे मैं डाल दूंगा। एक जो 3 स्टॉक्स थे उसमें से एक था जी एंटरटेनमेंट। सो गाइस, कल भी ये बाय के लिए जरूर है। हीरो मोटोकॉर्प बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 3112 का स्टॉप लॉस, 3140, 3155 का हम एक टारगेट हीरो मोटोकॉर्प में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैनरा बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको, इसमें 285, 289 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 275 का लगा के चलना होगा कैनरा बैंक के अंदर। सो गाइस, जिस तरीके से हमने देखा था कि बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी और बैंक्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो ऐसे चार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है, क्या मैंने आपको बताने वाला था कि कल भी मार्केट शायद एक ट्रैप कर सकती है, तो वो ट्रैप के बारे में भी आपको मैं चार्ट्स में बता देता हूँ और किस तरीके से मार्केट ने एक हैमर पैटर्न बनाया, हैमर शेप पैटर्न बनाया, तो गाइस वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे। तो मैंने आपको जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप देख सकते हैं ये ले कैंडल थी जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस जगह यहां से एक फॉल ले सकती है और वापस 10,790 की तरफ बढ़ सकती है। सो गाइस, अगर अब हम लो देखेंगे तो मार्केट ने जो लो मारा है वो मारा अराउंड 10,800 का ही। सो गाइस, आसपास ही था मार्केट के और हमारा टारगेट हमें अचीव हो गया था। उसके बाद देखा कि हमारे जो मार्केट थी उसने एक बाउंस करा और बाउंस करने के बाद उसके अपने प्रीवियस हाई को क्लोज नहीं कर पाई, क्रॉस भी नहीं कर पाई और क्लोज नहीं कर पाई। सो गाइस, अब हमें देखना है कि 50% एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो निकल गया और 100 मूविंग एवरेज को उसने सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरफ से टेस्ट भी कर लिया है। अब कल के मार्केट में हो क्या सकता है, मैं आपको आर्ली चार्ट में लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कि आर्ली चार्ट में किस तरीके से मार्केट ने देखा। अगर आप इसके टॉप को और इसके टॉप को सिर्फ लाइन से टेस्ट भी करेंगे तो आप देखेंगे दोनों के सेम हाई बने हुए थे आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल के ट्रेडिंग सेशन में। जो दो हाई बने हुए थे वो क्रॉस नहीं हो पाए प्रीवियस हाई को, तो ये मार्केट के लिए कंसर्न बन सकता है। पर जिस तरीके से एक बहुत बुलिश तरीके से जो बुल्स आए हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए थे वो 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया, जो हमारी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, अब हमें देखना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक अपमूव दिखा सकती है। जो अपमूव दिखाएगी वो कहां तक जा सकती है, वो गाइस जा सकती है प्रीवियस स्विंग की तरफ, हाई की तरफ, जो कि है 10,985 का लेवल।
गाइस 10,985 के लेवल तक भी मार्केट जा सकती है, पर अगर मार्केट 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही 3 दिन तक क्लोज कर दे, चाहे हम कोई मूवमेंट ना देखे, पर इसके ऊपर भी अगर मार्केट क्लोज कर देती है, सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल होगा इस एक्सपायरी के अंदर अंदर या मिड ऑफ जनवरी के अंदर, वो होगा 10,150 का लेवल, जो मार्केट आराम से जा सकती है, और मिनिमम 11,100 तो जा ही सकती है। अब वो गाइस कैसे जा सकती है, वो जा सकती है अराउंड 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 11,100 का लेवल। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करा गाइस, और इसने जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था उसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ उसने क्लोजिंग दे दी है, ना कि उसके नीचे क्लोजिंग दिया, और बहुत स्ट्रांग तरीके से हमने देखा कि 61.8% के रिट्रेसमेंट के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। गाइस जब हम बढ़ते हैं आली चार्ट पे, तो आली चार्ट पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो इसका टॉप है इस लेवल का, उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया, और मैंने भी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कराया कि 27,360 के ऊपर एक परफेक्ट बाय बनता बैंक निफ्टी के अंदर। गाइस अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि हम देख सकते हैं कि कल भी मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ट्रैप हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। सो गाइस हम बहुत बार देखते आ रहे हैं, मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि मार्केट ऊपर जाती है, वापस एक फॉल आती है, पर वापस मार्केट ऊपर जाती है, अपने स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई को जब क्रॉस करती है ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक बुलिश पैटर्न या एक बाइंग जोन बन चुका है फ्रेश। पर गाइस होता क्या है, वहां पर लोग बहुत सारी बाइंग पोजीशंस बनाते हैं, और जो एफआईज होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग वहां से अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। गाइज वही आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हुआ था कि नीचे से बुल बहुत तेजी से ऊपर आ गए, सारी जो पोजीशंस थी सेलिंग साइड में वो सारी की सारी कट कर गई, और हम लोग ट्रैप हो गए, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जो कटा था। मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहूंगा, 15 मिनट चार्ट में हम चलते हैं, वहां पर आपको क्लियरली शो कर जाएगा किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट ली थी। ये एक लेवल था जहां पर मार्केट ने एक फॉल दिया था, और यहाँ पर हम लोग ट्रैप हुए थे कि इस लेवल को इसने ब्रेक करा, पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी बॉटम बना रहा था। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, 200 डे एक्सपोनेंशियल पे इसने बॉटम बनाया, और हमने एक अपमूव देखी। सो गाइस अब हमें देखना है कि मार्केट सस्टेन कर सकती है इस स्विंग हाई को और ऊपर जा सकती है, और इमीडिएट टारगेट जो हमें लग रहे हैं, क्योंकि जो 27,360 का लेवल था, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, और अगर हमारे पास 1 या 2 घंटे और होते, तो मैं आपसे कह सकता था कि 27,700 का लेवल मार्केट आराम से टेस्ट कर सकती है। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि वो 27,700 का लेवल हमें टेस्ट कर सकती है। आली चार्ट में चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक अपमूव दी, फॉल दी, एक शोल्डर बनाया, उसके बाद एक हेड बना, फिर एक फॉल आई, बॉटम लगभग सेम थे, उसके बाद हमने वापस अपमूव देखी, और ये अपमूव शायद इस जो प्रीवियस इसका शोल्डर है वहां तक जा सकती है, जो कि 27,700 का लेवल है, और शायद हम वहां से एक स्विंग की तरफ फॉल देख सकते हैं। सो गाइस हमारे पास दो सिनेरियो है कि कल मार्केट में एक ट्रैप आ सकता है, तो हमें कॉशियसली ट्रेड करना होगा, देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से है। इंडिया विक्स भी 4% गिर चुके हैं, जो एक पॉजिटिव नोट में कह रही है कि बुल्स वापस आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट में हम कल ट्रैप होते हैं या 27,700 के लेवल के आसपास। अब गाइस अब हमें किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा इस वॉलेटाइल सेशन में, किसी लोगों ने बाय की पोजीशन बनाई होगी, किसी लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस बनाई होगी, तो अब हमें किस तरीके से वर्क करना है गाइस, आपको अब हेजिंग करके चलना होगा। हेजिंग करने से होगा ये कि आपका प्रॉफिट कम होगा, अगर आपको लगता है कि बाय साइड में है तो आप हेजिंग करके चलिए, लो साइड में थोड़े कम क्वांटिटी पे बाय करके चलिए, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में तो नहीं, पर आप प्रॉफिट में जरूर रहेंगे, आपको लॉस से रिकवर होने में आसानी होगी। सो गाइस ये थी मेरी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने सिर्फ चार्ट्स के बेसिस में आपके साथ शेयर करी। मेरे क्लाइंट्स भी थे जो एक बार ट्रैप हो गए थे, मैं भी ट्रैप हो गया था, जो मैंने आपको बताया था आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो मैंने भी 27,400 की ऑप्शन बाय करवाई थी, एट द अराउंड 45 लेवल्स के अराउंड मैंने बाय करवाई थी, पर वहां से भी हम लोग एग्जिट कर गए थे, क्योंकि एक ब्रेक इवन पॉइंट जो था वो ब्रेक हो गया था, और मुझे लग रहा था इंट्राडे सेशन के अंदर हम यहाँ से एक फॉल देख सकते हैं, और हुआ भी कि -50 पॉइंट्स में था बैंक निफ्टी, और उसके बाद जब हमने एग्जिट करा तो वो -100 पॉइंट्स भी, -130 पॉइंट्स भी जा चुका था बैंक निफ्टी, और उसके पास ही कंसोलिडेट कर रहा था। हमने आखिरी के कुछ आवर्स के अंदर ही देखा था मार्केट में रिकवरी आई। सो गाइस हम लोग भी फंस सकते हैं, हमारे जो चार्ट्स हैं वो हमें जो दिखाते हैं हमें उसके हिसाब से ही आप लोगों को ट्रेड करवाते हैं, तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ और भी बाय करवा रखा है इंडेक्स के अंदर, तो जब वो हमें प्रॉफिटेबल देगा या जब वो हम उसे एग्जिट करेंगे, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, तब मैं आपको इस वीडियो के अंदर या अगली वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा कि हमने क्या बाय करके रखा हुआ था।
सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मेरे साथ बन सकते हैं, और आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड चाहिए होंगी तो आप मेरे साथ बन सकते हैं। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।